वेलकम बैक टू माय चैनल नंदिनी दास गुप्ता। होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। टुडे नो कुकिंग, नो सिंगिंग एंड नो रेजिन आर्ट वर्क। आज मैं आप लोगों के सामने राइट इन फ्रंट ऑफ यू चैटिंग विद यू बस एक ही टॉपिक पे बात कर रही हूँ, वो है कोरोना। यस फ्रेंड्स, आई एम टेस्टेड कोविड पॉजिटिव और एक रूम में आइसोलेटेड बैठी हूँ। करने के लिए कुछ नहीं है, बस आप लोगों के साथ चैट करने के लिए ही आई हूँ आज मैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी माहौल इतना खराब है एंड वी ऑल नो दैट ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है दैट इज़ नॉट सो बैड, दैट इज़ नॉट सिवियर आई मीन टू से, बट हम सब कोशिश करेंगे कि ओमिक्रॉन हम तक ना पहुंचे। एंड मोस्टली डॉक्टर्स एंड वी ऑल हैव नोटिस्ड दैट फर्स्ट सेकंड वेव में जिनको नहीं हुआ है कोविड उनको अभी ओमिक्रॉन बहुत जल्दी पकड़ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फ्रॉम लास्ट 20-25 डेज एज इन फ्रॉम आफ्टर क्रिसमस मैं शायद घर से निकली भी नहीं हूँ एंड घर पे ही मैं अपना काम करती हूँ। आई डोंट नो हाउ दिस कोरोना ने कैसे मेरे को अटैक किया, कैसे हुआ, कहाँ से आया, आई रियली डोंट नो। द ओनली थिंग इज सिम्टम्स मेरे, अगर मैं सिम्टम्स अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मंडे नाइट से दैट इज़ फ्रॉम 17th मेरे को थोड़ा बहुत शिवरिंग हो रहा था, फिर जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड मेरे को थोड़ा थोड़ा बुखार भी आना स्टार्ट हो गया था। तो दैट मोमेंट ओनली आई केम टू नो दैट समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन विद मी। तो दैट मोमेंट ओनली आई स्टार्टेड वेयरिंग द मास्क। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इफ़ यू आर इन द फैमिली जहाँ आपके बच्चे हैं तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, इतना सा भी आपको लगे कि दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, स्ट्रेट अवे यू शुड स्टार्ट वेयरिंग योर मास्क। तो मुझे जब से लगा कि हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो मैंने तभी मास्क लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी आर 4 इन आर फैमिली, मेरे अलावा सबका नेगेटिव आया है एंड आई एम द ओनली वन हूज टेस्टेड पॉजिटिव एंड आई एम सिटिंग ऑल अलोन इन द रूम एटलीस्ट फॉर 7-8 डेज। तो मैं जस्ट आप लोगों के साथ यही शेयर करने के लिए आई हूँ कि जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि सबको पता है क्या कोरोना जो चीज़ है दैट इज़, आप लोग शुरू से ही 2 साल से आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे कि एसिम्प्टोमेटिक भी होता है और सिम्टम्स भी दिखाता है। मेरे काफ़ी नोन लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं था, उसके बावजूद भी इतना लेट के बावजूद भी जिनको सिम्टम्स नहीं था उनको बाद में पता चला कि उनको कोरोना है और उनको नहीं बचा सके हम लोग। कि मतलब ऐसे भी ही काफ़ी लोगों के ऐसे रिश्तेदार, कितने करीबी लोगों को हम ऐसे देख चुके हैं जिनको हम नहीं बचा सके। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके मास्क लगाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेयर मास्क। आप जहाँ पर भी बाहर जाएं, अभी आप घर पे भी सुरक्षित नहीं हैं, बाहर तो सुरक्षित थे ही नहीं, घर पे भी आप सुरक्षित नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट वी आर वैक्सीनेटेड तो हमें और कुछ नहीं हो सकता, अगर कोरोना हो भी गया तो छू के निकल जाएगा। माई फ्रेंड्स, कोरोना एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर आपके अंदर चला जाता है तो इतना सा भी हो इट विल इफेक्ट योर लंग्स। और ये लंग्स को एक बार इफेक्ट किया तो ये तो जैसे आपके लिए तो मतलब हमेशा की बात हो गई कि कुछ ना कुछ आपको ट्रबल बना रहेगा। तो जितना हो सके मास्क लगाइए, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले, अगर ज़रूरत हो तो डबल मास्क लगा के बाहर निकले, क्योंकि इस बार का ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा सिवियर वे में फैल रहा है। क्योंकि मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसमें ईच एंड एवरी फ्लोर इज इन्फेक्टेड बाय कोरोना। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स
कि आप जहाँ पर भी जाएं मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र ज़रूर रखें अपने साथ। सैनिटाइज़र आपको हर चीज़ से बचा सकता है। आप बाहर जाएं सैनिटाइज़र लगा के घर पे आएं, हो सके तो आप एक बार गर्म पानी से गार्गल करें, गर्म पानी से नहा लें। जो जो प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करते थे फर्स्ट और सेकेंड वेव में, वही चीज़ आप फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, तो आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये आज ना मैं कुछ वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो मेरा बॉडी मुझे अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ हाथ में एक थर्मामीटर लेके बैठी रहती हूँ और ऑक्सीमीटर लेके मैं बैठी रहती हूँ विद पॉलिथिन ऑफ मेडिसिंस। मेरे पास सिर्फ मेडिसिंस हैं, ऑक्सीमीटर है, गर्म पानी पीती रहती हूँ हमेशा, मैं काढ़ा पीती रहती हूँ। अगर आपको कोरोना है भी नहीं तो जस्ट मेक इट श्योर कि आप डेली काढ़ा बना के पिए, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कुछ कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो कीजिए तो आपको कभी भी कोरोना छू भी नहीं सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज पता चली है, वो मैं आप लोगों के साथ भी बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। मिश्री का पानी, मिश्री का पानी किसी को कोरोना है या नहीं है, मिश्री का जो पानी होता है उसको आप भिगो के रखिए पानी में, और उस पानी से आप गार्गल कीजिए, उसको पीजिए जितना हो सके। पीते बनता है आप उसको, उसका सेवन कीजिए जितना हो सके और उसका गार्गल कीजिए। वो जब आपके नेक तक के जाएगा और वो अंदर जाएगा तो आपका अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो पेट के थ्रू आपका सब कुछ निकल जाएगा। जितना हो सके आप मिश्री का पानी पीजिए, जो कि मैं भी अभी पी रही हूँ, और काढ़ा रोज पीजिए, रोज काढ़ा पीजिए। हो सके तो ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, और जितना हो सके तो गर्म पानी ही पीजिए। और अगर आपको कोरोना है या नहीं है, गार्गल करने का एक हैबिट आप बना लीजिए, जितना हो सके आप गार्गल कीजिए, जो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप कोरोना से बच के रह सकते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट गो आउट विदाउट मास्क। मेरी सबसे यही विनती है, क्या बी सेफ एवरीवन, और मेरे लिए ज़रूर प्रे कीजिए कि मैं जल्दी कोरोना से निकल के आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ, आप लोगों के लिए कुकिंग वीडियोस जल्दी लेके आऊँ, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे रेजिन आर्ट वर्क मैं दिखाऊँ, और साथ ही में अच्छे अच्छे गाने मैं आपको सुना सकूँ। टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।